हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत मुश्किल से बढ़िया सा ब्लॉग बनाए हैं, पहली बार बनाए हैं ब्लॉग। और ये ब्लॉग ऐसा वैसा नहीं है। क्यों भाभी? ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हाँ, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए हैं, आप ये मत सोचिएगा। और हाँ, इसमें हम लोग दो चीज़ बताए हैं। एक तो सिम्टम्स बताए हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हाँ के कैसे पता चले कि लड़का लड़का है है या कि लड़की लड़की है। है। और सेकंड ये बताए हैं कि आपको क्या करने से लड़का होगा। तो ये हम साइंटिफिक रीजन दे के बताए हैं, कोई ऐसे ही नहीं बता दिए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिए, पेशेंसफुली वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और आपके साथ भी क्या क्या सिम्टम्स हुआ या आपके घर भी क्या क्या बताए, प्लीज उसको हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम मैं हूँ गप्पू और ये है सीमा। अरे नहीं दोस्तों, हम लोग कॉमेडी करते रहते हैं और आज सोचे कि कॉमेडी नहीं करेंगे और आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक ब्लॉग बनाएंगे प्यारा सा। और सीमा अभी भी बोली कि चलो आज कुछ अलग ही करते हैं, तो शुरू करते हैं। मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन जैसी ही है, वो फ़ोन की थी, वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ एक ठो परेशानी भी आ गई। हाँ, थोड़ा मतलब उसको फर्स्ट इशू लड़की है और उसको सेकंड इशू लड़का चाहिए। वैसे तो वो कभी भी मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करती है लड़का लड़की में, लेकिन सबको लगता है कि एक लड़की है तो लड़का हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, या फिर अगर लड़का है तो लड़की हो जाए, वो भी है। तो सीमा अभी आप बताओ कि लड़का है या लड़की है फर्स्ट, अब तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, जैसे उसका 3 महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको हम कैसे पता चलेगा? आपको, आपके तो 2 बेटे हैं, तो आपको क्या फील हुआ? तो बस यही है। और कैसे पता चले लड़का है या लड़की है, इसका तो भाई आजकल तो ये सब चेकअप भी नहीं होता, लेकिन पुराने जमाने की जो मालिश करने वाली जो एक आती थी, मेरी जो डेली मालिश किया करती दाई थी, दाई, वो बहुत कुछ मतलब उनकी जानकारी जेनुअनली सही भी रहती थी। वो कई चीज बताती थी, जैसे मेरा बड़ा वाला बेटा जब था तो वो मालिश किया करती थी तो पेट देख के बताया करती थी कि हाँ, पेट के शेप से वो जान जाती थी कि लड़का है कि लड़की है, कितने महीने में चल रहे हैं ये बात भी बताती थी कि 3 महीने में अगर चलेगा तो लड़की होगी। और उस लेट से बच्चे लड़के लेट से चलते हैं तो 4th-5th महीने से अगर चलेगा तो वो लड़का होगा, ऐसे करके तो बताया इसका मतलब ये तो है कि भाभी का जो सिम्टम्स था वो बोलना चाहती है कि अगर लड़की मतलब मूवमेंट मतलब जल्दी करती है, मतलब 3 महीने से, 3 महीने के बाद, 4 महीने के आसपास होते ही लड़कियां मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं, लेकिन लड़के जब रहते हैं तो वो और थोड़ा लेट भी करती है। वैसे भी मतलब लड़का लड़की होने के बाद भी लड़कियां थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी चलना बोलना ये भी करती हैं, लड़के थोड़ा लेट से करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा देखी हूँ, ऑब्जर्व की हूँ, ज्यादातर केसेस में, सब केस में नहीं है। और भाभी और कुछ सिम्टम्स आप बताओ, फिर मैं अपना भी आप एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये हम बताएंगे ना, जिसको अगर आप फॉलो करोगे, कंसीव करने से 1 साल पहले से उस डाइट चार्ट को आप फॉलो करेंगे तो मे बी आप सक्सेसफुल होंगे। लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, 90% तो हम लोग ये बोल के जा सकते हैं कि लड़का होगा ही होगा। लेकिन इसके लिए आपको 1 साल पहले से ही आपको ये चीज सोचना है, प्लानिंग करनी पड़ती है। देखिए ये तो बोलते ही हैं कि आपको अगर बच्चा प्लानिंग करना है, आपका मन, आपका डाइट, आपका सब कुछ आपको अच्छा होना चाहिए, 1 साल पहले से ही आपका प्लानिंग में होना चाहिए। तो वही प्लान हम लोग बताएंगे, कुछ डाइट हम लोग बताएंगे, क्या आपको खाने से लड़का होने का मतलब ज्यादा हो जाए। हाँ, ये लेकिन इसको आप ये गलत तरीके से मत लेना दोस्तों कि ये आप हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं कि मतलब लड़की ना होने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरी भी बेटी एक है, और भाभी को भी जब सेकंड इशू लड़का ही हुआ उनका भी मन बहुत खराब हुआ था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं एक लड़की ही चाहिए थी। तो आप ये लड़का लड़की में अंतर मत रखिएगा, डिफ्रेंशिएट मत कभी कीजिएगा।
तो चलिए फिर आगे आगे भाभी बताइए, भाभी कुछ सिम्टम्स बताएंगी, कुछ सिम्टम्स मैं भी अपना शेयर करूंगी, पर्सनल सिम्टम्स बताइए भाभी। हाँ, और यही छोटी मोटी कुछ कुछ बातें बताया करती थी, पेट का शेप जैसे लड़कियां हैं तो गोल जैसा रहता है, लड़के रहते हैं तो आगे की तरफ निकला हुआ जैसा। हाँ, ये हाँ। तो ये मेरे केस में भी हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगी, ये एक मान के चलिए 80-90% केसेस में ये होता ही है, जब लड़की रहती है तो पेट गोल रहता है, मतलब वो नाभि के सामने में थोड़ा चिपटा हुआ रहता है, फ्लैट रहता है, इसका मतलब फ्लैट रहता है, थोड़ा गोल टाइप का रहता है ना, और जब लड़के रहते हैं वो थोड़ा ऐसे उभरा हुआ रहता है, मतलब पेट अलग सा ही दिखता है बॉडी से, लेकिन ये 7-8 मंथ में ही पता चलता है। भाभी उससे पहले ऐसा कुछ नहीं है जो पता चलेगा कि लड़का है या लड़की? इतना ज्यादा अब उन फोरकास्ट तो हर लोग अलग अलग चाल देख के भी करते हैं, जैसे मेरी सास या हस्बैंड कभी बोलते थे चलो, तो चलने में जैसे मैं चली एक बार नीचे बिस्तर से उतर के चली तो अपना लेफ्ट पैर आगे पहले करी तो चलने में, तो बोले कि लड़का होता है तो लेफ्ट पैर से पहले चलते हैं, लड़कियां होती है तो दाहिने पैर से पहले चलते, मतलब चलने में स्टेप लेने में, तो ये सब कुछ कुछ बताया करती थी। अब ये सब 100% तो नहीं है, लेकिन अब फोरकास्ट तो कर ही सकते हैं। हाँ। लोग बात थोड़ा गेस करते हैं, 9 महीने का जैसे बोलते हैं, जो रहता है, जैसे और बोलते हैं ना, लड़कियां होने से सुंदर दिखती हैं। हाँ। लड़के होने से थोड़ा आंख में नीचे में कालापन आ जाता है, आप काले से हो जाते हैं, मतलब थोड़ा कलर डल हो जाता है। सुंदरता जो रहती है लड़की, जब औरत रहती है प्रेगनेंट और बेबी गर्ल रहती है तो एक औरतों में अलग तरह की सुंदरता आ जाती है। और ये भी बहुत बोलते हैं कि लड़की रहने से आपको वोमिटिंग नहीं होती है, लड़के रहने से ज्यादा वोमिटिंग होती है, आपको होती थी क्या? नहीं, ऐसा ये वाली बात तो सही नहीं है। मेरे बड़े बेटे में मुझे तो 5 महीने तक बहुत ज्यादा वोमिटिंग हुई, लेकिन सेकंड टाइम में एक भी नहीं हुआ, एक बार भी मुझे तो ये क्रॉस, इसको क्रॉस आप लगाइए, वोमिटिंग वाला बात को आप क्रॉस लगाइए, और ये भी आप क्रॉस लगाइए कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की रहने से वो सुंदर दिखती है। देखिए अगर लड़की होगी और आपको वोमिटिंग होगी तो कहीं ना कहीं आप वो डाउन दिखोगे ही। हाँ। आपका वैसे भी आपको अगर जनरल आपको वोमिटिंग रहती है जब आप प्रेग्नेंट नहीं रहते हो, आपका मतलब 3-4 दिन में ही आप, हाँ वो आपका कलर थोड़ा डल हो ही जाता है। मेरा तो मैं लड़की थी तब भी वोमिटिंग नहीं हुई थी, लड़का था हुआ था लेकिन वो 3 महीने के अंदर हुआ था, उसके बाद बंद हो गया, वो भी थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस रहता है तब हो रहा था, अदरवाइज ऐसे मतलब डेली का मतलब नहीं हो रहा था ये। लेकिन एक सिम्टम्स मैं आपको जरूर बोलूंगी, मेरे तो दोनों लड़का मतलब एक लड़का एक लड़की है, वो पेट का जो मतलब उभरापन शेप है ये मैं बोल सकती हूँ। और एक का सिम्टम्स मैं अपना पर्सनल शेयर करूंगी, जैसे पेट में एक लाइन सी आती है जो वो काला वाला नाभि के नीचे से काला वाला लाइन, एक किसी का ऊपर जाता है किसी का नीचे जाता, ऊपर किसी का ऊपर जाता है किसी का नीचे आता है, मेरा नीचे गया था जब बेटी थी, लेकिन वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी, लेकिन जब बेटा हुआ वो लाइन ऊपर की तरफ गया लेकिन वो सीधा है। और मुझे कहीं ना कहीं मेरी फ्रेंड भी बोली थी कि आपकी अगर वो लाइन सीधी है तो लड़का होगा, अगर टेढ़ी है तो लड़की होगी, लेकिन मेरा वो फर्स्ट वाला लाइन गया ही नहीं था जब मेरी बेटी हुई थी, वो टेढ़ा का टेढ़ा वैसे ही था, और लेकिन एक एक्स्ट्रा वो जो लाइन रहती है ना वो ऊपर की तरफ वो एक ठो ग्रो कर रहा था, लेकिन बेटा होने के बाद वो लाइन कहीं ना कहीं चला गया, बेटी होने के बाद वो लाइन अभी भी नहीं गई, मतलब वो है अभी तक। इसलिए मेरी मतलब मेरी सास भी बोली थी वो लाइन देख के कि नहीं तुझे लड़की होगी, ये शायद कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है 80-90% सच लगता है, कहीं ना कहीं थोड़ा तो हर जगह पे वो मतलब फोरकास्ट गलत हो ही जाता है। तो ये आप 80-90% मान के चलिए वो लाइन के लिए, क्योंकि ये केस मैं मतलब मेरे साथ देखी हूँ और एक दो सहेली के साथ भी देखी हूँ कि अगर वो लाइन आपकी सीधा है तो लड़का है, अगर वो लाइन टेढ़ी है तो लड़की है। अगर आपको लड़का चाहिए तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को आपको 1 साल पहले ही डाइट प्लान में ध्यान रखनी होगी। हाँ, 1 साल पहले हाँ। से आप 3 चीजों का ध्यान रखें। और खास करके जेंट्स, हमेशा हर कोई बताता है कि लड़कियों को डाइट प्लान देखना चाहिए, लड़के आफ्टर प्रेगनेंसी बिफोर प्रेगनेंसी भी, लेकिन यहाँ पे बिफोर प्रेगनेंसी में हस्बैंड को या फिर लड़के को ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर उसको लड़का चाहिए तो। ये ब्लॉग में हम बता रहे हैं लड़का होने के लिए क्या डाइट प्लान चाहिए, नेक्स्ट ब्लॉग में अगर होगा डिमांड रहा तो हम बताएंगे लड़की के लिए क्या डाइट प्लान होगा, है ना भाभी? हाँ, और ये मैं बोल रही थी 3 चीजों का
विशेष ध्यान रखे, पहले से प्रिपरेशन कर ले फिजिकली, मेंटली और सबसे जरूरी फाइनेंशियली। फाइनेंशियली भी आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि कभी भी कुछ अर्जेंसी आती है तो इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि आप अपने जच्चा बच्चा जो माँ बेटे हैं उनका आप भरपूर ट्रीटमेंट कर सके। इसके बाद आप डाइट प्लान कीजिए एक साल पहले से। देखिए इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि हस्बैंड को ही ये डाइट लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल सी फंडा है जो आपको सबको पता होगा, जिन लोग बायो स्टूडेंट है या फिर नहीं भी है उन लोग को भी आजकल तो बहुत ज्यादा डेवलप हो ही गया है। लड़कियों के पास एक्स एक्स फैक्टर रहता है, लड़कों के पास एक्स वाई फैक्टर रहता है, और लड़कों के पास ही रीजन रहता है लड़का होगा या लड़की होगी, मतलब हस्बैंड के पास है ना। मतलब ये सिंपल तरीके से मैं बता दूंगी, हस्बैंड के पास एक्स वाई फैक्टर रहता है, वाइफ के पास एक्स एक्स फैक्टर रहता है। तो एक्स आता है, वाई आता है, जब मिलता है तो वो लड़का होता है, और एक्स फैक्टर तो ऑलरेडी मतलब वाइफ के पास है, और वहां पे फिर एक्स फैक्टर दोनों आता है तो फिर वो लड़की होती है। तो यहाँ पे रीजन हस्बैंड होता है लड़का होगा या लड़की होगा, इसीलिए जो डाइट प्लान है, जो डाइट प्लान है हस्बैंड के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना नहीं, मुझे तो लगता है इनफैक्ट हस्बैंड के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मतलब लड़कों में जो शुक्राणु रहता है उसको अगर हम लोग ज्यादा डेवलप कर देंगे, ज्यादा मतलब स्ट्रांग बना देंगे, तो वो लड़का होने का संभावना ज्यादा हो जाती है। जैसे कि मतलब देखो बहुत सारा शुक्राणु निकलता है और लड़कियों में एक ही मतलब अंडाणु निकलता है, तो वो अंडाणु बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और एक बहुत सारा जो शुक्राणु में से जो एक ही स्ट्रांग रहता है तो वो जाके वो फ्यूज होता है, तो वो तो बहुत आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे हम शुक्राणु को स्ट्रांग कैसे बनाए, तो इसीलिए शुक्राणु को स्ट्रांग बनाने के लिए हम हस्बैंड के डाइट प्लान में थोड़ा ज्यादा सोडियम पोटेशियम और विटामिन सी रिच फूड अगर ज्यादा ले एक साल पहले से ही, तो वो कहीं ना कहीं लड़का होने का संभावना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्राणु स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे हस्बैंड ही रेस्पॉन्सिबल है लड़का या लड़की होने के लिए। हम लोग तो फालतू में लड़कियों को दोस्त देते रहते हैं, पहले भी देते थे और कहीं ना कहीं आज भी देते हैं कि अरे इसकी लड़की हो गई, वो रीजन ही है, रीजन हमेशा लड़का था अभी भी है। इसलिए अगर लड़का है तो दोस्तों आप अपने हस्बैंड या फिर जो भी आप उनको बोलिए उनके डाइट प्लान में ये तीन चीज जरूर शामिल करें। तो पोटेशियम, हाँ, जैसे कि पोटेशियम रिच फूड हो गया, क्या हो गया, संतरा हो गया, विटामिन सी में तो आपको पता ही होगा जितना साइट्रिक फूड रहता है, ऑरेंजेस रहता है, नींबू रहता है, और क्या रहता है भाभी, हाँ आप ग्रेप्स ले सकते हो, और पोटेशियम रिच फूड में संतरा हो गया, केला हो गया, और एवोकेडोस हो गया। एवोकेडोस भी बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्सेस है दोस्तों। अब इवन आप केला ले लो और टमाटो ले लो, टमाटो में भी आपको पोटेशियम भी मिल जाता है, विटामिन सी भी मिल जाती है, नमक में भी सोडियम होता है, तो लेकिन प्रेगनेंसी में हाँ लेकिन नमक नमकीन चीज ज्यादा यूज करें। हाँ, और दोस्तों मैं ये आपको पर्सनली आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप जब कंसीव हो जाते हो ये मत सोचिए कि कंसीव होने के बाद अगर मैं ये खाऊंगी तो लड़का हो जाएगा। जब कंसीव करते हो ना वो तय हो ही जाता है वो लड़का है या लड़की। प्लीज ये मिसकंसेप्शन को क्लियर कीजिए, ये मत सोचिएगा कि हो गया अब मैं ये खाऊंगी तो ये लड़का होगा या लड़की होगी। आप अपने और इसके साथ अपने हस्बैंड के डाइट को इवन ज्यादा उनको बोलिए कि वो फोकस करेंगे अपने मतलब एक साल पहले, है ना। तो ये रहा आज हम लोग का एक तो ब्लॉग दोस्तों, जो कि हम लोग पहली बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं और कुछ मतलब नॉलेज के साथ। क्यों भाभी, हाँ ये बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं, मेरी कई फ्रेंड है जिनको पहले से एक बेबी है और अब लड़का ही चाहिए, वो फैमिली का एक फोर्स रहता है, सास है, ससुर है, सब तो हाँ, ये अगर तो... हमारे हाथ में कुछ चीज है तो हम करते हैं, नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, पहले से ये चीज हमारे हाथ में है तो करके कोशिश तो किया ही जा सकता है। आप भी करके देखिए, इसमें 99.99% है
हाँ 99% तो चांस एकदम बढ़ जाता है अगर आपके हस्बैंड के मतलब देखिए आप हस्बैंड का डाइट में ये जरूर शामिल कीजिए, उसके साथ ही आप अपने डाइट में भी मतलब थोड़ा लीजिए। और अगर आपका यहाँ पे नीचे में कमेंट बॉक्स में ये आए कि आप लड़कियों का भी डाइट बताओ जिसमें और ज्यादा मतलब उसमें चांसेस बढ़ जाएगा तो उसको भी हम लोग जरूर बताएंगे। लेकिन इसके साथ आप इसका आप ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और जरूर अपने दोस्तों में भी बताइए कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये साइंटिफिक तरीके से पॉसिबल है दोस्तों, हाँ, है ना। और एक बात और, तन और मन स्वस्थ है होगा माँ बाप का तो बेबी भी स्वस्थ ही होगा, इसलिए भी डाइट प्लान जरूरी है। हाँ दोस्तों, तो चलिए इसके साथ ये ब्लॉग को हम लोग खत्म करेंगे और आपको हम लोग कुछ और कॉमेडी कुछ और रेसिपी भी इसके साथ शेयर करते रहेंगे, बीच बीच में ऐसे ब्लॉग लाते रहेंगे हम लोग कॉमेडी, थोड़ा खाना बनाने के साथ साथ इसको थोड़ा हम लोग सोचे कि थोड़ा अलग करके देखते हैं इसमें कैसा रिस्पॉन्स आता है। इनफैक्ट हम लोग थोड़ा चेंजेस मतलब इसलिए हम लोग आज ब्लॉग बनाए, लेकिन ऐसा ही खाली ब्लॉग ही है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू थैंक यू।